नमस्कार दोस्तों, आप सबको न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक जियो का फ़ोन आया हुआ है, इसका हैंग लोगो प्रॉब्लम है। चलिए दिखाते हैं कौन सा मॉडल है। सबसे पहले खोल के आप सबको देख सकते हैं जियो एप 320 मॉडल है। इसमें एक बार ऑन करके भी आप सबको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं ऑन करके दिखा दें, एक से दो मिनट तक हमने इसको ऑन करके भी देख लिया हूँ। और अब आप सबको मैं दिखाऊंगा कि कितना देर में ऑन होगा या नहीं होगा। तो वेलकम तक में आ गया है, अब इससे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो चीज़ मैं आप सबको मैं दिखाऊंगा पूरा लाइव। देख सकते हैं आगे बढ़ चुका है, जियो फोन लिखा गया, स्टार्टिंग में है, कहां तक जाता है या नहीं जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ तक पूरा कम्प्लीट आ गया, आगे बढ़ गया है ना, है ना। उसके बाद ही आप सबको मैं दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत है, कहां से क्या दिक्कत है, वो चीज़ सबसे पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहां पे आ गया, ऑन हो गया, लेकिन इसी तरह से ही खड़े हैं। जियो फ़ोन लिखा हुआ, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है ना। इसको देख सकते हैं, थोड़ा वेटिंग कर लेते हैं और हो सकता है ऑन हो जाए। तो देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा। चलिए अब इसको है कि नट को खोल लेते हैं, है ना, इसका जो सॉल्व है उसको करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात बता दे रहे हैं आपका, अगर इस तरह से हैंग लोगो प्रॉब्लम अगर आया तो आप सबसे पहले एक बार सॉफ्टवेयर कर लीजिए, तभी आपको दूसरा काम करना है ना। अन्यथा हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर नहीं कराएं, आपका सॉफ्टवेयर दिक्कत है, तो सॉफ्टवेयर इसलिए कर लेना है ताकि आपको है कि आपका ये 100% आपको पता चल पाएगा कि नहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं हार्डवेयर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें है कि हार्डवेयर का ही दिक्कत आता है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं हार्डवेयर में क्या चीज़ दिक्कत है और कहाँ से क्या चीज़ दिक्कत आता है, वो चीज़ सबसे पहले मैं आप सबको मैं दिखाऊंगा, है ना। देख सकते हैं इसको निकाल लिए, इसको है कि एक बार पूरा क्लीन कर लेंगे निकालने के बाद, है ना, ताकि सही से हो सके कि ऑन हो जाए, हैंग ना हो, है ना। निकाल लेते हैं पूरा, सब जितना भी है सबको निकाल लेना ज़रूरी है। इसको भी निकाल लेते हैं, साइड से पुश कर देना है आपको, ये निकल जाएगा ये भी। अब इसको ब्रश से एक बार साफ कर लेंगे हम, देख सकते हैं ब्रश से पूरा क्लीन कर लेंगे इसको ताकि पूरा क्लीन हो जाए। जो भी अगर गंदा हो या तो वाटर डैमेज रहता है कभी कभी होता है, इसके लिए उसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। इसमें वाटर डैमेज साफ कर लिए लेकिन ऑन नहीं हुआ दोस्तों। तो इसको अब चलिए देखते हैं मैक रिमूव करके और उसको चेंज करते हैं, हो सकता है मैक से दिक्कत होगा। तो इसका कभी बहुत ही ज़्यादा रहता है शिकायत मैक से ही दोस्तों, इसीलिए मैक को हम चेंज कर रहे हैं। यानी जितना भी ट्राई था सबने हम करके देख लिया, साफ भी करके देख लिया, सॉफ्टवेयर भी करके देख लिया, हार्ड रिस्टार्ट भी करके देख लिया, लेकिन ये काम नहीं किया। तो लास्ट ऑप्शन है कि मैक को ही हमको चेंज करना पड़ेगा, ताकि इसमें जियो एप 320 में मैक का बहुत ज़्यादा शिकायत आता है दोस्तों, है ना। चलिए अब दूसरा मैक लेते हैं और इसको कैसे खपाते हैं। हाँ, एक बात और भी बता दे रहे हैं आप सबको कि जियो का कभी भी मैक एप 320 में लगाइए तो आपको 100% ओजी लगाइए, और जो मैक इसमें सपोर्ट करेगा वही मैक लगाइए। अन्यथा मार्केट में 5 पिन का मैक बहुत मिलता है दोस्तों, अगर दूसरा मैक लगाइएगा तो आपका भी इसी तरह से हैंग लोगो में ही प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। क्योंकि मैक मेरा ख़राब था इसीलिए हम इसमें मैक चेंज कर दे रहे हैं, अन्यथा आप अगर दूसरा मैक भी चेंज कर लीजिएगा लेकिन हैंग लोगों में ही दिक्कत रहेगा, आपका ये सेट ऑन नहीं होगा। तो चलिए अब ऑन करके देखते हैं, पूरा मैक भी लगा लिए, कहीं हो सकता है मेरा भी मैक सपोर्ट ना करे। चलिए सबसे पहले, लेकिन हम जो है कि 100% मैक ही यूज कर रहे हैं, जो मार्केट में मिलता है अच्छा मैक उसी को, दूसरा मैक नहीं लाते हैं। चलते हैं देखते हैं ऑन हो रहा है।
फ़ोन जब तक से ऑन हो रहा है तब तक से आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी नए नए वीडियो आप सबको इस चैनल पे लाते रहेंगे और आप सबको मैं नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए ऑन होने देते हैं सेट को, तो देख सकते हैं फ़ोन जो है ऑन हो गया दोस्तों, क्योंकि इसका मैक 100% लग गया और मैक सही सपोर्ट किया, उसकी वजह से ये सेट ऑन हो गया।